स्टूडेंट आए थे अलग अलग स्टेट से, कोई 1000 किलोमीटर से आया, कोई 2000 किलोमीटर आया, कोई 3000 किलोमीटर से आया। तो इसलिए ईसीएम वाले वो इंजन तीनों कंसोर्ट लेके आए थे, जो हमने यहाँ से पाया वो बेहतर है। तो मेहनत से काम सीखा है, पसीना बहा के और हाथ का हुनर सीखा है। ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग। लक्ष्मीराम जी, ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग। बाइक का भी कोर्स किया है, ईसीएम का कोर्स किया है, या फिर डिटेलिंग का भी किया है, या फिर कार मैकेनिक, तो सब मिक्सअप है। एक एक करके सुनेंगे, सबसे बात करेंगे। नहीं सर, हमारी तरफ से एक साल में कितनी बार कॉल आया आपने? एक बार भी कॉल नहीं किया, जितनी बार कॉल किया हमने नहीं किया। ट्रेनिंग मिलती है आपको, कॉन्फिडेंस आता है आपको, समझ में आता है कैसे हमें काम करना है। प्रैक्टिस आपको ही करनी है। कपड़े की दुकान कितने साल की आपने? कौन कौन सा कोर्स किया है? एसीएम और कार मैकेनिक। दोनों कोर्स करने क्या रीजन है इतना पैसा खर्च करने का? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग, विश्वास करने के लिए। ठीक है सर जी, थैंक यू फॉर कमिंग। तो आज की डेट है 5 जुलाई 2024। स्टूडेंट आए थे अलग अलग स्टेट से, कोई 1000 किलोमीटर से आया, कोई 2000 किलोमीटर आया, कोई 3000 किलोमीटर से आया। इस विश्वास पे आए कि हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें अच्छा सीखने को मिलेगा। ये लोग आए थे ना, इन्होंने कोई मार्केटिंग सीखी, ना इन्होंने कोई MLM का काम सीखा, ना बड़ी बड़ी बातें सीखा है। तो मेहनत से काम सीखा है, पसीना बहा के और हाथ का हुनर सीखा है। कभी भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो अपने दम पे, अपने हाथ के हुनर पे ये पैसा कमाएंगे। किसी के सामने हाथ जोड़ के नहीं, किसी के सामने हाथ फैला के नहीं। कार मैकेनिक का कोर्स किया था, किसी ने कार ECM का किया, किसी ने कार डिटेलिंग का किया, किसी ने कार का ECM का डिटेलिंग एक साथ किया, किसी ने बाइक का कार का ECM के एक संग किया। अलग लोग थे, सबसे मिलेंगे, कौन कहां से आया, किसने कौन सी ट्रेनिंग करी, क्या इन्होंने समझा, क्या इन्होंने जाना। अंतोष सर हमारे हैं जो ECM के ट्रेनर हैं, लोकेश सर जो है हमारे बाइक के ट्रेनर हैं, साजिद सर हैं, चांद सर हैं, कार में वकील सर हैं, यस सर हैं, वसीम सर हैं। ट्रेनर एक ऐसा नहीं है कि एक ट्रेनिंग है कार की तो उसमें एक ही ट्रेनर है, अलग अलग लोगों से आप सीखते हैं। सेम एज इट इज हमारे बाइक के हैं, चाहे कार के हैं, ट्रेनर अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेनर आपको इंजन भी करवा रहा है, वायरिंग भी करवा रहा है, सेंसर भी करवा रहा है, स्कैनिंग भी करवा रहा है। तो सब लोगों से एक बार बैठा के हम लोग बात करेंगे, कौन किस स्टेट से आया, कौन सा ट्रेनिंग किया, पहले ये क्या करते थे और अब जाके ये क्या करने वाले हैं। लंच से पहले बनाया था हम लोगों ने बाइक मैकेनिक का वीडियो, और अभी हम लोग बना रहे हैं, 3 बजने वाले हैं कार और ECM का वीडियो। जो कार वाले भी हैं और ECM वाले भी हैं, जो लोग जा रहे हैं। आज की डेट है, लक्ष्मीराम जी क्या डेट है, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ। आज की डेट क्या है? डेट क्या है? 5 जुलाई। फोन में लिखाना सर, क्या पता है ये झूठ बोल रहे हो। आज है हमारा 5 जुलाई 2024। जयपुर सेंटर से हम लोग बात कर रहे हैं। कार मैकेनिक के स्टूडेंट आए थे 5-6 लोग, इनसे बात करेंगे। डिटेलिंग के लिए भी आए थे और ECM तो सब मर्ज है। मतलब इसमें ऐसे है कि कार का भी कोर्स किया है, बाइक का भी कोर्स किया है, ECM का कोर्स किया है, या फिर डिटेलिंग का भी किया है, या फिर कार मैकेनिक, तो सब मिक्सअप है। एक एक करके सुनेंगे, सबसे बात करेंगे। कार मैकेनिक का कोर्स रहता है 3 से 6 महीने। जयपुर आपको आना है, जानकारी के लिए कॉल करें, डिटेल आ जाएगी। ECM का कोर्स रहता है 1 से 2 महीने का। 1 से 2 महीने का क्या सिस्टम रहता है, जिसने थोड़ा सा बेसिक आता है वो 1 महीने में कर सकता है, जो जीरो लेवल है उसको 2 महीना भी लग सकता है, जो बिल्कुल ही जीरो लेवल है उसको 3 महीना भी लग सकता है। फीस लेकिन हम लोग 1 महीने की लेते हैं, जो 1 मंथ की लगती है। तीसरा हमारा जो बाइक है, बाइक का आपको ऑलरेडी हम लोगों ने सुबह वीडियो डाला था कल, 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने में नहीं सीख पाते, 4 महीने लो, 5 महीने लो, 6 महीने लो। और जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए वो हमेशा इस बात को माइंड में रख के आए कि मैं किसी को भगवान नहीं बना सकता, मैं 100% किसी को नहीं सिखा सकता। ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, हजारों वीडियो में बोला हुआ है कि 100% मैं किसी को नहीं सिखा सकता, ना आप 100% सीख सकते हैं, ना ये 100% सीख सकते हैं, ना मैं सिखा सकता हूँ। तो इस बात को हमेशा लेके आना। बस आपको एक ट्रेनिंग मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको समझ में आता है कैसे हमें काम करना है। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, धक्के आपको ही खाने मार्केट में, पसीना आपको ही बहाना है। आप सोचो मैं ट्रेनिंग लेके आऊं और मैं चाहूं कल से 1 लाख रुपए महीने कमाने लग जाऊं, भूल जाना, आना ही मत। ट्रेनिंग लेने के बाद और मेहनत कर सकते हो, और परिश्रम कर सकते हो, और सीखने की चाह है तभी आना। घर वालों के कहने पे, भाई के कहने पे, पड़ोसी के कहने पे, यार दोस्तों के कहने पे मेरे पास मत आना। दूसरी जगह आप कहीं भी कॉल करोगे तो वो तो आपको बुलाएंगे कि आओ, हम 100% सिखाएंगे, हम एक्सपर्ट बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
वो बोल सकते हैं वो जादू करें, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेहनत कर सकते हो, टाइम दे सकते हो तो आ जाना, जो ही मैंने इनको बोलता वही आपको बोल रहा हूँ, वही ऑन रोड ऑन रिकॉर्ड में आपको बोलता हूँ। तो शुरुआत करते हैं लक्ष्मीराम जी से, कहाँ से आए हैं, कौन कौन सा कोर्स किया, क्या इनका फ्यूचर प्लानिंग और पहले क्या करते थे। लक्ष्मीराम जी आपका नाम, नाम तो वैसे मैंने बोल दिया, फिर भी आप बोल दीजिए आपका नाम कहाँ से आए हैं। लक्ष्मीराम जी थोड़ा तेज बोलिएगा। लक्ष्मीराम जी कहाँ से आए? लक्ष्मीराम जी हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। क्या करते थे पहले? पहले कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान कितने साल की आपने? 10 साल। तो ये रैंक में आने कैसे सोचा आपने? इससे पहले भी किया होगा। अच्छा किया है। कौन कौन सी ट्रेनिंग की आपने? ट्रेनिंग नहीं की मैं, वैसे मतलब नहीं नहीं इधर इधर को क्या इधर मैं किया बल कार का, कार ट्रेनिंग की है। हाँ जी, बाइक ट्रेनिंग की है। हाँ जी, और आपका ईसीएम। ईसीएम तो इतना पैसा लुटाने का क्यों सोचा आपने? एक कोर्स करके सोच रहे थे दूसरी जगह से नहीं कर सकता हूँ, जगह से अच्छा लगा, क्यों चूज किया? करके अच्छा लगा मतलब। और मैंने कितने पैसे दिए आपको ऐसे बोलने के? मेरे बारे में नहीं नहीं कुछ नहीं। चलिए ठीक है। अभी क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान आपका? अभी यहाँ से जाने वाले हैं। कौन से मंथ में आए थे बाबा ऑटोमोबाइल? नहीं यहाँ पे आया था 3 महीने पहले। 3 महीने पहले आए, लेकिन आपने फुल टाइम कंज्यूम किया? नहीं हाँ, थोड़ा सा पहले भी किया था। पहले भी किया? अच्छा, थोड़ा सा मतलब पहले से आप इस लाइन में थे, मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं किया आपने, बेसिक क्लियर था आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, नाम आपका, कहाँ से आए हैं, क्या करते थे? मेरा नाम शोन, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ जी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी, इसके पहले तो पढ़ाई करता था। मैकेनिकल इंजीनियर लगभग कितने लाख रुपए लगा सब कुछ करने में, कॉस्ट में ला के पूरा लगा? तो मेरा कैटेगरी में था तो फिर भी अच्छा मिल गया, फिर भी 8-10 लाख रुपए लगता है। कौन कौन सा कोर्स किया आपने? मैंने कार मैकेनिक की ट्रेनिंग और डिटेलिंग। कार डिटेलिंग, डिटेलिंग क्या होता है? डिटेलिंग वो कार को सजाना, मतलब बिना हाथ काले पिए किए कोट पैंट में हम काम कर सकते हैं और 1 रुपए के काम पे 100 रुपए हम कमा सकते हैं। चलिए ठीक है सर। आप सर नाम आपका कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। आवेश जी आपको थोड़ी काली है लगती है, आपकी मैं ही मिला था, आपने एडमिशन नहीं लिया, वो क्या सिस्टम है थोड़ा बताएंगे आप? पहले कब आए थे सर जो विजिट करने? सर पहले विजिट करके आया था तो आप मिले नहीं थे उस टाइम, इसलिए ज्वाइन ही नहीं किया। नहीं नहीं ज्वाइन नहीं किया, आप मिले नहीं, फिर यहाँ पे मुझे कोई रिस्पॉन्स ही सही नहीं मिला, फिर मैं चला गया, फिर दोबारा फिर मैं आपसे बात की, दोबारा फिर मैं आया। अच्छा, फिर मैंने किस मंथ में आए थे आप? लास्ट मंथ में आया। लास्ट मंथ, लास्ट मंथ का जून में? ठीक है, जून या मई? मई में शायद। अच्छा मई में आए थे। अभी कौन सा कोर्स किया है आपने? ईसीएम का किया। क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? सर फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मैं बाहर जा रहा हूँ ना सर, फॉरेन जा रहे हैं, तो सब पूरा प्रोसेस हो चुका है, पूरा प्रोसेस है, सर्टिफिकेट लगाना और सीधे बाहर। किस कंट्री में जा रहे हैं? अभी तो मैं गल्फ में जा रहा हूँ, एक साल का एक्सपीरियंस लेके मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड में आप रहेंगे फ्यूचर, तो हम लोग कभी आएंगे तो जगह जगह रुकने की, होटल खर्चा बच जाएगा। चलिए ठीक है सर। आप सर नाम आपका कहाँ से आए हैं? सर हमारा नाम सुरेश कुमार जी, हम उन्नाव उत्तर प्रदेश से आए हैं जी। अपनी कार रिपेयरिंग वर्कशॉप है जी, पहले तो ऑलरेडी वर्कशॉप है आपकी। हाँ जी। कितने साल से है सर? सर 5 साल से। 5 साल से है आपकी। तो यहाँ पर आपको क्यों जरूरत पड़ी आपको आने की? सर कई बार हमें छोटे मोटे फॉल्ट आते थे तो कई बार प्रॉब्लम आती थी, तो इसलिए हम ईसीएम वाले वो इंजन तीनों कंसल्ट लेके आए थे, जो हमने यहाँ से पाया वो बेहतर है। अच्छा, बेहतर क्यों पाया सर आपने? सर बेहतर पाया तो किसी जगह का नाम नहीं लेना। हाँ, जैसे कई जगह हमने फोन पे वार्तालाप करी तो हमें कहीं से कोई सजेशन नहीं मिला, मन को संतुष्टि नहीं मिली। यहाँ पे हमने आपसे 2-3 बार बात करी, 1 साल से आने का हम सोच रहे थे। 1 साल से? यस, 1 साल पहले आपसे बात हुई थी, फिर नहीं आ पाएगी किसी रीजन बस, फिर 1 महीने पहले फिर आपसे बात हुई तो आपने बोला आ जाइए कोई दिक्कत नहीं, फिर आए हमने यहाँ क्लास ज्वाइन की, अच्छा लगा। ठीक है, संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? सर कई बार काम करवाते हैं तो हमने भेजा गाड़ी को भेजा किसी और काम के लिए होता, प्रॉब्लम कुछ और बन जाती थी। ईसीएम हमने रिपेयरिंग के लिए किसी और प्रॉब्लम के लिए दिया, प्रॉब्लम नहीं और आ जाती थी। अच्छा ठीक है, तो 1 साल से आप कॉन्टेक्ट में थे, कितनी बार कॉल आए हमारे पास से आपको आने में, कब आओगे? सर 3 बार कॉल किया। नहीं सर, हमारी तरफ से 1 साल में कितनी बार कॉल आया? आपने एक बार भी कॉल नहीं किया, जितनी बार कॉल किया हम ही नहीं किया। अब एक बार कहीं दूसरी जगह कॉल कर देखना, नंबर आपका नोट हो जाता है। सर हमने कॉल करी है। अच्छा, हम यहाँ पे आए हैं कोई 3-4 बजे, कॉल करने के बाद ही आए हैं। अच्छा चलिए ठीक है सर। मेरा नाम कौशल कुमार है, बिहार से। बिहार में कौन से जगह से? पटना। पटना से। क्या करते थे पहले? कंपटीशन की। इस लाइन में कैसे सोचा आने का एकदम जंप मारने का?
तो उधर कुछ लगा नहीं तो इधर आ गया। तो यहाँ पर क्या लगा, तो यहाँ पर ऐसा क्या लगा, तो यहाँ आगे थे मेला क्या कुछ करना चाहिए जी। कौन सा कोर्स किया है आपने? कार मैकेनिक का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है। आप सर वी आर रेडी फ्रॉम कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? ओके हिंदी बोल दीजिए फिर तो बोल सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम रिंघानी है, मैं मणिपुर से है। मणिपुर से है। क्या करते थे पहले? मैं पार्ट टाइम जॉब दिल्ली में कर रहा था। दिल्ली में करते थे, किस फील्ड में? वो कॉल सेंटर। कॉल सेंटर, अच्छा। ये सब में तो ये लाइन में कैसे सोचा आपने आने का? वो बाहर लिए काम करने थोड़ा मजा नहीं आता। अच्छा, फॉरेन जाना है आपको? नहीं नहीं, मतलब ये घर में जाकर कुछ बिजनेस। अच्छा, बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो कार में कितने कोर्स किया है आपने? कार का किया था। ओके। आप सर नाम कहाँ से आए हैं? कृष्णा लोहार। कृष्णा जी, राजस्थान। किस जगह से? जालौर से। जालौर से। कौन कौन सा कोर्स किया है? एसीएम और कार मैकेनिक। दोनों कोर्स करने क्या रीजन है इतना पैसा खर्च करने का? एक ही कर लेते हैं। तुम्हारा भी गैरेज है? सेल्फ कोऑर्डिनेटर का गैरेज है, लेकिन एसीएम का थोड़ा पॉइंट आता था इसलिए एसीएम करने आ गए। अच्छा, तो सिर्फ ईसीएम होता है कि और भी क्या क्या होता है? ईसीएम में बहुत कुछ है, वायरिंग वगैरह, सेंसर वगैरह। वायरिंग, सेंसर, ईसीएम, स्कैनिंग और रिमोट बनाना, प्रोग्रामिंग। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग की है फॉक्सवैगन गाड़ी वगैरह में इनमें? हाँ की है। गुरुजी ये हमारे स्पेशल है। कहाँ से आए आप? गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर, थोड़ा तेज बोलिए, कहाँ से आए? गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर गुजरात से। बताइए सर। मेरा, मैंने पहले ECM का ट्रेनिंग लिया था, उसके बाद 2 साल खुद का स्कैनिंग कोडिंग का काम था। तो ये मैंने कार वगैरह कभी खोल के चेक नहीं किया, कोई वायरिंग चेक मतलब खुद से चेक नहीं किया था। और ये वीडियो देख के देखा तो कार मैकेनिक ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है कैसे खुद से खोलते हैं, चेक करते हैं, वो देख के यहाँ ज्वाइन किया था। मतलब आपने ECM ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब इसमें सेंसर खोलू कैसे गाड़ी में? कैम सेंसर गाड़ी के बोनट के अंदर लग रहा है कि क्रैंक पे लग रहा है कि O2 सेंसर के पास लग रहा है कि इधर लग रहा है कि उधर लग रहा है? मतलब थ्योरी हमने पढ़ ली, डॉक्टर ने बताया कि दिल होता है और दिल को ऐसे ऑपरेशन करना है, नस ऐसे जोड़नी है, लेकिन ये हम लोगों ने बॉडी में ये नहीं देखा दिल लेफ्ट है कि राइट में, बस दिल में क्या क्या मुक्जर वो सीख लिया हमने। मैडम हंस रही है। तो भाई ऐसा नहीं होता, अगर ट्रेनिंग प्रॉपर करना है तो हम लोगों को, अगर ECM है तो ECM तो कमांड दे रहा है, ECM तो दिमाग है बॉडी का। अब वो दिमाग को दे रहा है, यहां से तो सिग्नल निकल रहा है दिमाग से, हाथ तक वो नसी कट रही है तो हाथ कैसे काम करेगा? तो अगर ECM तुम्हारा सही है, बार बार स्कैन लगा रहे हो, ECM का फॉल्ट आ रहा है, अब अपने ECM का पॉइंट लगाया OBD पोर्ट में, अब OBD पोर्ट तो किसको स्कैन करेगा? ECM तक। अब जब से बीच में वायरिंग ही कट है, चूहे ने काट दी, ब्रेक कर दी, वाइब्रेशन से घिसकर टूट गई, तो आपने तो ECM लगा डाल दिया 60,000 का। अगर आपको वायरिंग ही नहीं पता वायरिंग कहां से इसमें जा रही है, कैम सेंसर प्लस रहता है माइनस रहता है सिग्नल का पॉइंट है। अब सिग्नल नहीं आ तो जरूरी थोड़ी है कि कैम सेंसर ही खराब हो, अब उसको खोले कैसे? बहुत सारी गाड़ियों में कैम सेंसर डायरेक्ट टेपर्ड कवर के ऊपर रहता है, बहुत सारी गाड़ी ऐसे आएंगे कि टेपर्ड कवर खोलने के बाद कैम सेंसर आपका निकलेगा, अब उसको खोलने के लिए आपको इंजेक्टर में हटाने पड़ेंगे, टेपर्ड कवर खोलना पड़ेगा, तब वो आपको वहां पर ये आपको मिलेगा। अब उसको खोलना कौन सिखाएगा? क्लासरूम में तो टेबल रखे अपने क्लासरूम में, वो क्लासरूम में दिखा दिया ये कैम सेंसर है, इसमें प्लस जा रहा है, एक माइनस जा रहा है, एक सिग्नल जा रहा है, इसमें 5 वोल्ट आते हैं, इसको चेक कर लेना, खराब निकला तो उसको ये नाप लेना, वो नाप लेना। अब इसको गाड़ी में से कौन निकालना सिखाएगा? गाड़ी हमारे पास आई है तो हम क्या करेंगे? मैकेनिक को बोला भैया काम करना, इसका यार ये निकाल दो सेंसर। बोला 1,000 रुपए लूंगा। ठीक है भाई, तो गाड़ी मिला हमें 1,500 रुपए रहे मजदूरी के, 2,000 रुपए रहे, आधा पैसा किसने ले लिया? उसने। क्यों? क्योंकि उसको पता है कैसे सेंसर खोलना है, कनेक्ट सेंसर। तो इसलिए बहुत जगह ये सब चल रहा है, चलता है तो वो चलता रहेगा, वो तो जनता को देखना कहां पर क्या है। सब ट्रेनिंग सेंटर अच्छे है, सब अपनी दाल रोटी खाते हैं, सब बेस्ट है। देखना आपको होता है कि आप कुएं में जा रहे हो कि समुद्र में जा रहे हो कि सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हो। तो ये थे हमारे स्टूडेंट जो कार मैकेनिक ECM डिटेलिंग सबके लिए आए थे। भविष्य में सबका हम लोग शुभकामना देते हैं, आगे बढ़ो लाइफ में और अच्छा करो। और ये भी इनको मैं हमेशा बता दूं भैया, 100% नहीं सीखे, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि कोई मर्सिडीज लिया और उसमें लग गया और कोडिंग बिगाड़ दी और पता कि 50,000 का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा। तो वो भी अभी आपको सीखना है, लर्निंग फेस है, और बेटर करो और अच्छा करो, एक एक करके सबको सर्टिफिकेट देंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग विश्वास करने के लिए। ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग।
ठीक है सर, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है सर जी, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके थैंक यू फॉर कमिंग सर। ओके सर थैंक यू फॉर कमिंग। लक्ष्मीराम जी।